हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हमारे रोजेस की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। जितने भी फ्रेंड्स हमने नए रोजेस लगाए थे, वो सारे नए रोजेस अभी बहुत ही अच्छी कंडीशंस में ग्रो हो रहे हैं। इनके लीव्स की कंडीशन भी अच्छी है। और यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, ये वाला रोज़ भी हमारा बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। और हमने फ्रेंड्स कुछ नए रोजेस परचेज़ किए थे, अभी मैंने आपको लास्ट संडे अपडेट की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 रोजेस फ्रेंड्स मैंने परचेज़ किए थे और मैंने ये सारे रोजेस को ग्रो कर लिया है। अब ये सारे रोजेस को फ्रेंड्स मैंने कैसे ग्रो किया है और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, ताकि ये रोज़ हमारे बहुत ही अच्छे ग्रो हो सके, तो उसके लिए पूरी जानकारी फ्रेंड्स आज मैं ये वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसका ध्यान रखिए फ्रेंड्स, रोजेज एक ऐसा प्लांट है जो आपके यहाँ पूरे साल चल सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि रोजेज़ विंटर्स में ही ग्रो होंगे, और अगर आपके यहाँ विंटर्स ख़त्म होने पे आए हैं और अभी आप रोजेज़ लाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हो, तो बाद में आप बहुत ही गलत सोच रहे हो फ्रेंड्स, क्योंकि रोजेज़ एक ऐसा प्लांट है जो आपके यहाँ पूरे साल चल सकता है और आपको बस थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है हर एक सीज़न के हिसाब से। तो अभी जो सीज़न चल रही है फ्रेंड्स, वो स्प्रिंग सीज़न चल रही है, यानी कि ज़्यादा ठंडियाँ भी नहीं है, ज़्यादा गर्मियाँ भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर आप रोज़ अपने ग्रो करोगे तो वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा और इसकी लीव्स की कंडीशन भी अच्छी रहेगी। और जैसे समर्स आएंगे तब मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊँगा कि किस हिसाब से हमें समर्स में अपने रोजेस की केयर करनी है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप अपने रोजेस को रिपोर्ट करते हो तब हमें ऐसे पॉइंट्स का ध्यान देना होता है जिसकी वजह से आपके रोज़ अच्छे से चल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि किस हिसाब से हमें ये रोज़ को ग्रो करना है। तो सबसे पहली चीज़ कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए है फ्रेंड्स, वो है उसकी पॉटिंग सॉइल। पॉटिंग सॉइल में हमें थोड़ी सी सॉफ्ट पॉटिंग सॉइल लेनी है, पोरस रहनी है। पॉटिंग सॉइल की वजह से फ्रेंड्स इसके अंदर से पानी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएगा और ज़्यादा देर तक पानी अंदर रुकेगा नहीं। इसलिए फ्रेंड्स हमें इक्वल प्रपोर्शन में सॉइल, सैंड और कॉम्पोस्ट का मिक्सचर लेना है। इससे फ्रेंड्स सॉइल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, हल्का सा मॉइस्चर सॉइल के अंदर बना रहेगा और पानी भी बहुत ही अच्छा ड्रेन हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप सॉइल सिलेक्ट करते हो तो थोड़ी सी सॉफ्ट सॉइल सिलेक्ट करिए, सॉइल, सैंड और कॉम्पोस्ट का इक्वल मिक्सचर आप लीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, रोजेस के लिए एक बहुत ही अच्छा और परफेक्ट पॉट सिलेक्ट करना। अगर आप रोजेस के लिए एक बड़ा पॉट सिलेक्ट करोगे और आपका जो रोज़ का रूट बाउल है वो छोटा सा है, तो बाद में वो आपका बहुत ही गलत डिसीजन होगा। हमें रोज़ के लिए पॉट फ्रेंड्स सिलेक्ट करना है उसके रूट बाउल के हिसाब से। अगर रूट बाउल जितना बड़ा हो उसके हिसाब से हमें पॉट को सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि फ्रेंड्स हमारा जो रूट बॉल है वो अबाउट 4 इंच का हो, तो बाद में हमें पॉट सिलेक्ट करना है 6 इंच का, यानी कि 2 इंच हमें रूट बॉल से ज़्यादा बड़ा पॉट सिलेक्ट करना है। जो रूट बॉल का डायामीटर है उससे 2 इंच ज़्यादा हमें डायामीटर वाला पॉट सिलेक्ट करना है। सपोज़ आपका जो रूट बॉल का डायामीटर 4 इंच का हो, तो बाद में आपको 6 इंच का डायामीटर वाला पॉट सिलेक्ट करना है। तो ये हिसाब का आप पॉट सिलेक्ट करिए। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स पॉट सिलेक्शन में आपको ध्यान देना होगा, वो है डेप्थ। पॉट फ्रेंड्स ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा पॉट के रूट डेवलपमेंट में ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। तो पॉट की जो गहराई रहनी चाहिए, गहराई ज़्यादा रहनी चाहिए। जितना भी आपका रूट बॉल हो, रूट बॉल से कम 2 इंच जितनी हमें पॉट की जो बॉटम एरिया है वहाँ पे हमें मिट्टी को फिल करना है। कम से कम 2 इंच जितना मिट्टी को हमें बॉटम एरिया में फिल करना है, तो उतना डेप्थ फ्रेंड्स पॉट के अंदर रहना ही चाहिए। बाद में फ्रेंड्स रूट बॉल को हमें वो मिट्टी के ऊपर बिठा के उसका जो पॉट का जो ऊपर वाला जो लेवल आता है, यानी कि पॉट की जो धार आती है, वहाँ पे फ्रेंड्स कम से कम 2 इंच का गैप रहना चाहिए। तो वो हिसाब के डेप्थ वाला पॉट हमें सिलेक्ट करना है। ज़्यादा फ्रेंड्स हमें छोटा पॉट सिलेक्ट नहीं करना है। जितना छोटा पॉट सिलेक्ट करोगे तो बाद में आपको रूट बॉल को थोड़ा डैमेज करना पड़ेगा। रूट बॉल को डैमेज करोगे तो बाद में आपका प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें रूट बॉल को पहले डैमेज नहीं करना है और पॉट ऐसा सिलेक्ट करना है जिसकी गहराई अच्छी हो और बाद में उसका डायामीटर रूट बॉल के डायामीटर से 2 इंच चौड़ा हो। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें पॉट सिलेक्शन करना है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, पॉट के जो नीचे वाला जो ड्रेनेज होल है वो हमें सही करना है, क्योंकि जनरली फ्रेंड्स आप कोई भी पॉट लाओगे उसका ड्रेनेज होल छोटा रहेगा। तो हमें ड्रेनेज होल का साइज़ हमें बड़ा करना है, इससे पानी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएगा और सॉइल के अंदर पानी खड़ा नहीं रहेगा। तो ये हिसाब का ड्रेनेज होल पॉट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मेजर 2 चीज़ें फ्रेंड्स, वो आपको ज़रूर ध्यान देनी है जब आप कोई भी रोज़ प्लांट ग्रो करने वाले हो तब। दूसरी चीज़ का हमें ये ध्यान देना है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो बॉटम एरिया है वहाँ पे हमें 2 इंच जितनी सॉइल को भर देना है। 2 इंच सॉइल को भरने के बाद फ्रेंड्स हमें वो सॉइल के ऊपर रूट बॉल कर रखना है और उसके बाद हमें सॉइल भर देनी है।
तो सॉइल फ्रेंड्स हमें भरनी है, जो भी आपका जो ग्राफ्टेड एरिया है प्लांट का, वहां तक फ्रेंड्स हमें सॉइल को भरनी है। या तो आपके प्लांट में ग्राफ्टेड एरिया नहीं हो, डायरेक्टली फ्रेंड्स एक देसी रोज का प्लांट हो, तो जहां से फ्रेंड्स वो पहली स्टेम निकलती है आपकी जो प्लांट की, जहां से पहली स्टेम निकलती है तो वहां तक फ्रेंड्स हमें सॉइल को भर देना है। इससे फ्रेंड्स प्लांट की ग्रिप बनेगी, जितनी ज़्यादा फ्रेंड्स प्लांट की ग्रिप होगी उतने ही ज़्यादा इसके रूट डेवलपमेंट होगे। जितने ज़्यादा फ्रेंड्स आपका प्लांट हिलता डुलता रहेगा उतने ही उसके रूट डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होंगे। इसीलिए फ्रेंड्स हमें प्लांट को ग्रिप देने के लिए फ्रेंड्स उसकी मिट्टी हमें ग्राफ्टेड एरिया तक भर देनी है, या तो जहाँ से पहली स्टेम निकलती हो वहाँ तक हमें भर देनी है। इससे प्लांट को ग्रिप बहुत ही अच्छी मिलेगी और प्लांट के रूट्स बहुत ही जल्दी नई सॉइल के अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर लेंगे। सॉइल के अंदर हमें किसी भी टाइप का अभी फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये एक छोटा प्लांट है फ्रेंड्स, छोटे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम चाहिए। तो अभी फ्रेंड्स एट प्रेजेंट हमने सॉइल के अंदर कॉम्पोस्ट ऐड कर लिया है, तो वही कॉम्पोस्ट फ्रेंड्स सॉइल को न्यूट्रिशंस पहुँचाता रहेगा और अल्टीमेटली वो प्लांट को मिलता रहेगा। इसीलिए फ्रेंड्स हमें प्लांट के अंदर ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स अभी अप्लाई नहीं करने हैं। और जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने प्लांट को ग्रो कर लेते हो, तो प्लांट को ग्रो करने के बाद फ्रेंड्स हमें प्लांट के ऊपर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर लेना है। एप्सम सॉल्ट की वजह से फ्रेंड्स आपका प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा। एप्सम सॉल्ट की वजह से फ्रेंड्स आपके जो प्लांट के लीव्स होंगे उसके अंदर क्लोरोफिल का प्रोसेस ही अच्छा मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से प्लांट आपका बहुत ही जल्दी स्ट्रेस में नहीं जाएगा और अच्छी खासी ग्रोथ करता रहेगा। और बाद में हमें प्लांट को 24 घंटे के लिए शेड में रख लेना है। एप्सम सॉल्ट फ्रेंड्स हमें आधा चम्मच जितना लेना है 1 लीटर पानी में, और अच्छी तरह मिक्स करके हमें प्लांट के ऊपर स्प्रे कर लेना है। शेड में 24 घंटे रखने के बाद फ्रेंड्स अब नेक्स्ट दिन सुबह को फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट को सनलाइट देना स्टार्ट कर लेना है। अगर आप मॉर्निंग की सनलाइट दे रहे हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर आपके यहाँ ठंड ज़्यादा है तो बाद में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी सनलाइट अभी ये प्लांट को दीजिए, क्योंकि ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इनको ठीक तरीके से सनलाइट नहीं मिल पाएगी तो बाद में ये प्लांट ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट देनी है। जहाँ पे भी आप कोई भी लोकेशन पे रखिए वहाँ पे कम से कम इसके ऊपर 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए। तो ये हिसाब का लोकेशन हमें ये प्लांट्स को देना है। अब दूसरी चीज़, जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने प्लांट्स को सनलाइट में रखते हो तो बाद में हमें प्लांट्स के ऊपर से जितने भी फ्लावर्स है वो हमें कट कर लेने हैं। फ्लावर्स अगर जितने ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर लगे रहेंगे तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी वो फ्लावर्स के पीछे लगा देगा, अपनी ग्रोथ पे नहीं लगाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स एट प्रेजेंट हमें प्लांट के ऊपर से ग्रोथ लेनी है, फ्लावर्स नहीं लेने हैं। तो जितने भी बर्ड्स लगे हो या तो फ्लावरिंग्स लगे वो सारे हमें कट कर लेने हैं, ताकि हमारे प्लांट्स के ऊपर न्यू शूट्स वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। ये जो पूरा प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये सारा प्रोसेस हमें फॉलो करना है एक नए रोज प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब हमें इसको फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स 1 हफ्ते के बाद देना है, अभी हमें इसको फर्टिलाइज़ नहीं करना है। और कौन कौन से फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स हमें इसको देने हैं उसके ऊपर पूरी एक अलग वीडियो में आपको बनाऊंगा। 1 हफ्ते के बाद फ्रेंड्स ये वीडियो में फिर से अपलोड करूंगा। फर्टिलाइज़र में कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं वो सारी चीज़ें वो वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो एट प्रेजेंट अगर आप छोटे रोजेज लाना चाहते हो नर्सरी से, अगर आपके यहाँ नर्सरीज में कुछ ये हिसाब से छोटे छोटे रोजेज मिल रहे हो, छोटे रोजेज बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और आपको नेक्स्ट विंटर्स तक ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देंगे। इसीलिए फ्रेंड्स हमें ये विंटर्स से ही नेक्स्ट सीजन के लिए हमें रोजेज को रेडी करना है, और किस हिसाब से फ्रेंड्स हम रेडी कर सकते हैं वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊँगा। तो ये हिसाब से सबसे पहला स्टेप फ्रेंड्स हमें सही ढंग से हमें रोज़ प्लांट को ग्रो करना है, सही ढंग का उसका पॉट देना है और सही ढंग की हमें इसको सॉइल देनी है, ताकि ये प्लांट आपका बहुत ही अच्छा ग्रो हो सके। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इसको ग्रोइंग के ऊपर है, जो अभी मैंने आपको ये वीडियो में बताई है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।